के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने ही एफएसआई करवाया था मस्जिद का। हज हाउस जो कई सालों से बंद पड़ा था, उस टाइम पर हज हाउस भी बाला साहेब ठाकरे ने चालू करवाया था। आप यकीन मानिए, ऐसी कोई बात नहीं है इस पार्टी के अंदर जो कहे कि जैसे लोगों ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि ये मुसलमान से मुसलमान के दुश्मन है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा यकीन मानिए। मैं आपको बताऊं, जब बांद्रा में ग्राउंड में इज्तिमा हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बच्चे रौनक है उस जगह। ये हमारे राजेश भाई, राजेश अवलेकर साहब, मैं आपको बताऊं कि जब बांद्रा में इज्तिमा हो रहा था, इज्तिमा के लिए परमिशन जब मांगे गेम से, ग्राउंड से, मैदान से, तो वहां पर कई लाख रुपए भाड़ा मांग रहे थे। बाला साहेब ठाकरे वो इंसान थे जिन्होंने एक रुपये में भाड़े, एक रुपये भाड़े के अंदर वो काम करवा के दिया था मुसलमानों के लिए। आइए देखो, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हेलो, आपके पास कई लोग, ठीक है, आपके पास कई लोग, कई लोग अभी आएंगे, कई लोग आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नाम पर वोट दे दो, नबी का वास्ता है वोट दे दो। आप मेहरबानी करके इस नए मंडली, ये जो नई मंडली बाहर से आई है शेरवानी पहनकर, ये जो हिंदू मुसलमान को लड़ने का काम करती है, आप मेहरबानी करके इनकी बातों में ना आना। ये कौम के नाम पर बांट रहे हैं लोगों को। हम हिंदू मुसलमान एक साथ, हम लोग एक साथ रहते थे, रहते हैं, रहेंगे। जो 40 रुपए के टोपी पहनकर, एक शेरवानी पहनकर कौम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने सिवाय जहर के कुछ नहीं उगला। ये जो बाहर से हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, ये मुसलमान बनकर आपके सामने आते हैं, है मुसलमान, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को आप नीचा दिखाओ। इस्लाम ये नहीं सिखाता, कुरान ये नहीं सिखाता कि किसी के देवी देवताओं का आप अपमान करो। हिंदू और मुसलमान मिलकर रहता था, मिलकर रहता रहेगा। जहां चार बर्तने होती है वहां पर खनखनाहट होती है, थोड़ा मेल टकराव होता है, लेकिन ये लोग, ये जो आए हैं 40 रुपए की और एक शेरवानी पहनकर, ये लोग हमारे देश में, पूरे देश में कलर के टुकड़े में बांट रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप खुदा के वास्ते आप इनके बहकावे में ना आए। आपको अगर वोट देना है तो आप विकास को वोट दीजिए, जो अच्छा काम करता है उसको वोट दीजिए, जो कैंडिडेट आपके एरिया में सोशल वर्क करता है उसको धर्म के नाम से ना दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, आपको आप उसको उसका धर्म देखकर वोट ना दीजिए। आप विकास को देख कर दीजिए, डेवलपमेंट को देख कर दीजिए, जो आपके आधी रात को काम आए, जो अपने वादा, जो अपने वादे पे खड़ा रहे, आप उसको वोट दीजिए। आप ऐसे किसी इंसान से ना वोट की बात करें जो आपसे सिर्फ आपके धर्म के नाम पर बोल रहा है। कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आने वाली 21 तारीख को
आप लोग अभी आने वाले 21 तारीख को आप लोग धनुष्यबाण हमारा सिंबल है, आप धनुष्यबाण पर आप बटन दबाए और शिवसेना को जिताए। शिवसेना को जिताना मतलब एक अच्छे सड़के, अच्छा पानी, गंदी नाक से छुटकारा, ये सब चीजें आपको मिलेगी। अभी जो यहाँ पर पहले कॉर्पोरेटर थी, आप खुद देख लीजिए, हिम्मत की बात है, क्या काम कर रही है उसने, आप खुद देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है हिम्मत हिम्मत वापरिए, यूज योर ब्रेन्स, दिस इज व्हाट अल्लाह सेज एंड दिस इज व्हाट इट इज टाइम दैट वी शुड डू। वी शुड वेट फॉर प्रोग्रेस, वी शुड वेट फॉर डेवलपमेंट, वी शुड नॉट वेट फॉर रिलेशन, वी शुड नॉट वेट फॉर हेट, फॉर things that these people from Hyderabad have come outside and done. आपको मेरा बहुत बहुत सलाम, आपसे दुआ की दरख्वास्त, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह आने वाली 21 तारीख को वोट डालने से पहले, धनुष्यबाण बटन दबाने से पहले या कोई भी बटन दबाने से पहले 2 मिनट के लिए सोचें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आप उन्नति को वोट करें, तरक्की को वोट करें। साथी और धर्म के नाम पर आके वोट मांगने वाले सबसे बड़े दुश्मन है आपके और हमारे और इस देश के, सबसे बड़े दुश्मन है। जात पात धर्म के नाम पर वोट ना करें, तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दुआ की दरख्वास्त।